प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में विगत 8 मार्च को हुए सरेराह लूट की घटना का अनावरण करते हुए प्रयागराज पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला लगातार सरेराह लूट और राहजनी से त्रस्त आम जनमानस की सुरक्षा का है, जहां प्रयागराज जनपद में अलग अलग स्थानों में लोगों से लूट एवं राहजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी और विगत 8 मार्च को शिवकुटी थाना क्षेत्र में नया पूर्वा के पास 3,33,000 रुपये की लूट से परेशान प्रयागराज पुलिस ने 5 अलग अलग टीमों का गठन कर सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू किया और परिणाम स्वरूप इस लूट के मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार लोगों में सभी कॉलेज के छात्र हैं और 19 से 24 वर्ष के मध्य के आयु के हैं। इस गिरोह के सरगना रुबान अहमद और एजाज अली ने बताया कि वे कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटा बघाड़ा में अपना एक गैंग का संचालन करते हैं और वहां पर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को रुपयों का लालच देकर लूट और राहजनी में सहायता करने में मदद करते हैं। इस दौरान वे पूरे घटना को अंजाम देने के लिए सभी प्रकार के सहायता उपलब्ध करने, घटना के बाद छात्रों को सुरक्षित स्थान मुहैया करना और लूट और राहजनी में आए माल को ठिकाने लगाने के काम में मदद करते हैं। से स्वयं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल नैनी स्थित मामा भांजा तालाब और छोटा बघाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले के हरिहरगंज में छुप कर रहने का काम भी करते हैं ताकि किसी को इनकी जानकारी न हो सके और वे अपना गैंग चला सके। गिरफ्तारी के दौरान लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल, 3.2 कैलिबर की पिस्टल जिस पर मेड इन USA लिखा हुआ है के साथ 8 जिंदा कारतूस एवं लूट के 36,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार ने बताया कि इनसे अभी और पूछताछ की जाएगी और अन्य मामले में इनकी संलिप्तता और गैंग के अन्य सदस्यों की भी जानकारी की जाएगी। बाद भी किसी एक का प्रयास किए थे लूटने का, बच गया। पीछे जाना भाई, एक मिनट सर। मामला थाना शिवकुटी जिला प्रयागराज का था। इसमें विगत 8 मार्च को एक लूट की घटना घटित हुई थी जिसमें करीब 3,40,000 रुपये जाने की बात कही गई थी। इस घटना के वर्कआउट करने के लिए हमने तेज तरार 5 टीमें गठित की थी जिनको सफलता मिली है और एक इंटर डिस्ट्रिक्ट बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। उस गैंग के 6 कुख्यात बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया है। एक कुख्यात बदमाश जो उसका सरगना भी है, रुबान अहमद नाम है, प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पूरा गैंग खड़ा किया था और 1 करोड़ रुपए लूट की इनके फिराक में थे। उनको सूचना थी मगर उसमें कम ही रुपए थे। बदमाशों से पूछताछ में बात सामने आई है कि करीब 1,04,000 रुपए थे जिसमें से पुलिस ने 36,000 रुपए बरामद किए हैं। इस गैंग के सरगना रुबान के अलावा एजाज अहमद है जो प्रतापगढ़ से ही बिलोंग करता है और उसमें 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस पूरे गैंग से हमने 3 असलहे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक को बरामद किया गया है और लूटे गए रुपयों में से 36,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं। इस 6 खुखार अभियुक्तों को सभी सबूतों के साथ आज जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है जहाँ से इनको जेल भेजा जाएगा। शानदार वर्कआउट करने वाली टीम जिनका नेतृत्व SP सिटी दिनेश सिंह और हमारे अजीत सिंह चौहान CEO साहब कर रहे थे, उनको हमने 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया। कुछ ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हेवेट कॉलेज लखनऊ के भी पढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पूरी घटना में शामिल हैं। इन 6 कुख्यात बदमाशों के गैंग में एक ऐसा बदमाश है जो हेवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ से 2012 में मैकेनिकल ट्रेड से इसने डिप्लोमा किया हुआ था। उसी तरह से एक सोनू यादव नाम का शख्स है जो मुखबिरी किया है और जो इस गैंग को मदद किया है, वो मुस्लिम हॉस्टल का रहने वाला पाया गया है। उसका ताल्लुकात वहाँ से है, इस तरह का है। ये खंडिया पॉलिटेक्निक से भी संबंध रखता है। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं इसमें और अनपढ़ लोग भी इसमें शामिल हैं। कुल मिला के 6 बड़े कुख्यात बदमाश हैं।
दो बदमाश अभी हैं जिन्होंने इसमें मदद की थी, रेकी की थी, सूचनाएं दी थी, उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। बहुत जल्द ही उनको गिरफ्तार करके बाकी रुपए भी बरामद कर लिए जाएंगे और निश्चित रूप से इस बड़े गैंग के वर्कआउट से प्रतापगढ़ और प्रयागराज के आसपास इलाकों में लूट और छिनैती घटनाओं में कमी आएगी। सभी के खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं, तो क्या आगे गैंगस्टर जैसे कार्रवाई की जाएगी ताकि जल्दी ये छूट न सके और जिससे इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? इन क्रिमिनल्स पे निश्चित रूप से चूंकि एक बड़ा गैंग है और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, इनका गैंग पंजीकरण कराया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, इनकी संपत्तियों का भी पता लगा के उसका जब्तीकरण कराया जाएगा, जिनका हिस्ट्री शीट नहीं खुला उनका हिस्ट्री शीट खुलवा करके उसकी निगरानी की जाएगी ताकि ये भविष्य में कोई घटना कारित ना कर सकें।